क्वेश्चन नंबर 16, देखिए इन्होंने क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। यानी क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, 28 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 352 है यानी मीटर में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। लेट कीजिए, यहाँ पे लेट विल मस्ट बी रोटेड x टाइम। ठीक है, हिंदी मीडियम लिखे यहां पे, माना पहिए को x बार घुमाना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस लिखते हैं यहां पे, लिखिए रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, ये आपके बुक में दिया गया था, एंड यहां लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये आपके बुक में दिया गया है 352 मीटर। हिंदी मीडियम लिख लें, रेडियस ऑफ व्हील यानी पहिए की त्रिज्या जो आपके बुक में दिया गया था 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यहां पे लिखेंगे और कुल दूरी, तो कुल दूरी दिया गया था आपके बुक में 352 मीटर। ठीक है, तो हम करेंगे क्या इसमें, देखिए सबसे पहले यहां देखिए ये मीटर में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो यहां पे लिखेंगे 352 × 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां पे जब 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहां पे देखिए मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, तो देखिए 352 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें कितना मिल गया, यहां पे 352 मिलेगा, कितने जीरो हैं, 2 जीरो यहां पे लगा दीजिए, यानी सेंटीमीटर। अब चलिए डिस्टेंस निकालते हैं हम, देखिए यहां पे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इज इक्वल्स टू, हमने क्या माना था x, तो x इनटू कर देंगे सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे, चूंकि पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर x है, x लिखेंगे गुणे, यहां दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील यानी पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। ठीक है, तो देखिए यहां पे कितने दूरी तय की गई थी, यहां हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितने हैं देखिए 352 00, तो यहां पे लिखिए 352
डबल जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना है एक्स है तो एक्स कीजिए मल्टीप्लाई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील यानी सरकमफ्रेंस का रूल्स क्या होते हैं, टू पाई आर, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको एडीटी लिखिए इज इक्वल्स टू एक्स है एक्स कीजिए इन टू, देखिए टू है टू कीजिए इन टू पाई, पाई की वैल्यू क्या मिला था 22/7 इन टू रेडियस, रेडियस हमने लिखा था ऊपर, देखिए दिखाते हैं ये आपके बुक में है 28 सेंटीमीटर है तो यहां पे लिख दीजिए 28, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हम क्या करेंगे राइट साइड में लाएंगे, हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए यहां एक्स हम लिख देते हैं इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पे इसको हम इस वाली टर्म को राइट साइड में ला रहे हैं, तो जब राइट साइड में लाएंगे तो यहां लिखा जाएगा 352 00 इंटू 7 को हम ऊपर भेज रहे हैं तो ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में अपॉन, बचा क्या हमारे पास 2, ये नीचे आ जाएंगे इंटू 22 यानी हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ठीक है इंटू 28। कहने का मतलब ये है हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 7 को हमने ऊपर भेजा, ऊपर वाली टर्म को हमने नीचे लेकर आया और इसको राइट साइड में भेज दिया, ठीक है। चलिए अब इसको क्रॉस करते हैं, देखिए 7 1 7 7 4 क्या मिला 28, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल करेंगे 2 1 क्या मिला 2, ठीक है 2 7 क्या मिला 14, 1 बचा यानी 12, 2 6 क्या मिला 12, 2 0 बचा उतार लीजिए ये भी गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 4 से कैंसिल करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 1 4 4 क्या मिला 16, 1 बचा यानी 16, 4 4 क्या मिला 16, 2 0 बचा उतार लीजिए तो बचा कितना हमारे पास, यहां लिख लेते हैं देखिए x इज इक्वल्स टू कितना बच गया यहां पे, देखिए 4400 अपॉन कितना बचा 22, ठीक है। आगे चलिए देखिए 2 1 2 2 1 2 यहां पे देखिए 2 2 4 2 2 4 2 0 बचा उतार लीजिए। अब देखिए 11 1 11 11 2 क्या मिला 22, 2 0 बचा उतार लीजिए तो यहां पे x की वैल्यू कितना मिल गया x इज इक्वल्स टू 200, ठीक है यानी टाइम्स, ठीक है ये हमारा मिल गया 200 टाइम्स यानी 352 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन लिख देते हैं, लिख लीजिएगा देखिए डज विल मस्ट रोटेट 200 टाइम्स टू गो 352 मीटर, हिंदी मीडियम लिख लें यहां पे, अतः पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।